हलका बाबा बकाला साहिब दे नवे तैयार होण वालियां उसारियां दा कीता गया उद्घाटन। लंबे समय तो चल रही लोगों दीयां मंगां नूं हलका विधायक संतोख सिंह भलाईपुर ने किया पूरा। उन्हां दा कहना है कि मैं अपने हलके नूं विकास पक्षों कदी भी अधूरा नहीं रहन देंगा। इसे तरह इलाके दे दौरे करके देखिया कि जिथे किसी नूं खेडण लई स्टेडियम, पढ़ाई लई कॉलेज, ITI ते बस स्टॉप, मैडिकल सहूलत लई एंबूलेंस वर्गियां चीज़ां भी मुहैया करवाईआं गईआं। इस मौके दे हलका विधायक संतोख सिंह भलाईपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि मैं रह गए बाकी अधूरे कामां नूं भी जल्द पूरा करके अपने हलके नूं वधिया दर्शाउणा चाहुंदा हाँ। जे न्यूज़ पंजाबी लई बाबा बकाला तो विश्वजीत सिंह दी विशेष रिपोर्ट। जो डेरा ब्यास है इत्थे ब्यास कस्बा वा बहुत वड्डा कस्बा वा और लागे साढ़े तकरीबन 25 पिंड लगते हैं जिन्हां दा इत्थे बस स्टैंड की बड़ी वड्डी प्रॉब्लम थी क्योंकि इत्थे डेरे की संगत जदों आउंदी आ बहुत बड़े भंडारियां दे समय कोई लखां आदमी जिहड़े इत्थे पहुँचते हैं और बड़े लंबे समय तो लोगों की मंग सी कि इत्थे बस स्टैंड बनाया जाए और ये बस स्टैंड बनने दे नाल जिथे साडा डेरे वालियां संगतां नूं बड़ा वड्डा फायदा मिलना उस तरह साढ़े जिन्हें भी लागे पिंड लगते हैं तकरीबन 20-25 पिंड लगते हैं उन्होंने बड़ा वड्डा फायदा मिलेगा क्योंकि बहुत रश सीगा जिहड़े 3-व्हीलर वगैरह सीगे वह सड़कों पर लग जाते और इतने हॉस्पिटल आ जो हॉस्पिटल के कोई मरीज आता ही उदो गड्डियां जिहड़ियां टैक्सियां वा जां कारां वा वो रोड के उत्ते लग जांदियां ते बड़े वड्डा जाम लगता है। ये बस स्टैंड बनने नाल इत्थे एक पार्किंग बना दित्ती गई आ जिहदे विच 3-व्हीलर लगने आ और टैक्सी स्टैंड बना दिता जिहदे विच जिन्नियां कारां वक्रियां लगनियां 3-व्हीलर वक्रे लगनगे और जिहड़ियां बसां अमृतसर तों आउणियां वा उह इत्थे कोल बणिया होइआ वा उह सिधियां इहदे विच एंटर हो गईआं ते जिहड़ा दूसरे बन्ने दरिया वाले बन्ने कोल आ उत्थों इह बाहर जाणगे। इस तरह जिहड़ियां जलंधरों बसां आउणियां जलंधर वल्लों दिल्ली वल्लों आउणियां उह घूम के पुल दे थल्लों दी लंघ के और बस स्टैंड दे विच एंटर हो गईआं इत्थे सवारी जिहड़ी आ लाउणगे और लैणगे सवारी लै के ते फिर अपने रस्ते घूम के ते सिधियां अमृतसर चलीआं जाणगीआं। पिछला समय जो अकाली दल का निकलिया और इस टाइम जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है विकास पक्षी कितना के कार्यकारी हो चुकी है? देखो जी तुम पिंडा देखते हो लागे साडे बैठे चेयरमैन बलकार सिंह बलजी बैठे ने साडे चेयरमैन गुरदयाल सिंह जी जो मार्केट कमेटी के पिंदरजीत सिंह जी सरली जी साडे ब्लाक प्रधान से सरपंच रणजीत सिंह जी बाबे बकाले सरपंच ने सारे सरपंच बैठे और साडे MC साहबान भी आ गुरदीप सिंह जी बैठे आ शर्मा जी के बेटे जिहड़े प्रधान ने रही दे जिन्हें भी सरपंच क्या मेरे हिसाब नाल जे आपां किसे सरपंच दे नाल गल करिए चेयरमैन साहब नाल तुसीं बाद विच गल कर लिओ कई पिंड इहो जिहे आ जिहड़े टुटल इंटरलॉक जिहड़े उत्थे लग चुकी है एक भी इट उत्थे लगन वाली नहीं। जिहड़े भी पिंडां दे विकास है बड़े जोरां शोरां नाल चल रहा है असीं हुणे 10 करोड़ की ग्रांट जिहड़ी असीं थोड़े दिनां नूं मुहैया करनी है पास हो के आ गई है और जिहड़े रहिंदे काम है असीं 2-3 महीनों के सारे जिहड़े आ वधिया तरीके नाल कर विकास में लैके आने वाली इलैक्शन लैके किवें दा हुंगारा मिल रहा? देखो जी जिहदे घर दे अगे चिक्कड़ सीगा उहदा स्कूटर मोटरसाइकिल अंदर नहीं जांदा उहदी कार घर नहीं सी आउंदी उहनां दीआं असीं पहल दे आधार ते उह सड़कां बणाईआं जिहड़ियां बड़ियां जरूरी सी पहलों उह बणाईआं बाद दे विच जिहड़ियां दूजियां क्योंकि अज हर एक आदमी आंदा मेरे घर नूं इंटरलॉक लगनी चाहीदी भावें सड़कां चंगीआं बणीआं सी दूजीआं इट्टां दे नाल पर वह भी जिहड़े इंटरलॉक की मंग कर रहे सन उन्होंने घरों के भी यही इंटरलॉक जी बूहों के करी ला दी है। देखो विकास जिथे हों उ हर एक बंदा यह चाहता कि वोट जी जिन्हें विकास किया पाई पाइए तुम पता है मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो वादा सी पिंडा का विकास करना होर जिन्हें भी वादे आ एक एक करके जो पूरे होने तुम्हें पता पिछली सरकार जदों बदली आ 31,000 करोड़ का जोड़ा वा करजा उन्होंने एक दिन पहलों इलैक्शन की गिनती तो लिया वह वेख लो भी ब्याज कितना बनता सरकार को ब्याज अदा करना पड़ा और जे ये ब्याज नहीं सी देंदे तो सानू जी अगर जिदा लिमिट अपनी इतने बन गई न्यू नहीं होनी वो भी बड़ा वड्डा सानू बोझ सीगा साडे उत्ते बोझ आ और फिर भी मैं धन्यवाद करदा मानयोग साडे मुख्यमंत्री साहब का खजाना मंत्री साहब का उन्हां दी टीम का जिन्होंने बड़े सुचजे ढंग के नाल ये समा जिहड़ा इहनू चलाया वा और आने वाली सरकार जी 100% जी मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनेगी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई हेठ ही जी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी।